किसान भाइयों नमस्कार, मैं मनोज शुक्ला आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज का विषय है कि शरदकालीन गन्ने की बुआई क्यों, कब और कैसे करें। भाइयों, गन्ना बुआई के संबंध में आप देख रहे होंगे कि हर किसान अपने अपने हिसाब से गन्ने की खेती करता है। कोई ट्रेंच बीज से बोता है, कोई देसी बीज से बोता है, कोई वैज्ञानिक पद्धति से बोता है और कोई गन्ना विभाग के निर्देशों के मुताबिक गन्ने की बुआई करता है। लेकिन इस विषय में गन्ना विभाग का क्या कहना है, शरदकालीन गन्ने की खेती कैसे की जाए, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। भाइयों, सबसे पहला प्रश्न है कि शरदकालीन गन्ने की बुआई क्यों। इसका उत्तर है, इस समय सर्वोत्तम प्रजाति का स्वस्थ गन्ना बीज आसानी से प्राप्त हो जाता है। दूसरी चीज, किसान के पास इस समय खेती कार्य कम रहता है जिसका सदुपयोग गन्ना बुआई करके किया जा सकता है, अर्थात मजदूरों की समस्या कम रहती है। तीसरी बात, गन्ने के साथ सह फसली जैसे गन्ना प्लस लाही, गन्ना प्लस आलू, गन्ना प्लस लहसुन, गन्ना प्लस धनिया आदि की खेती आसानी से करके हम दोहरा लाभ कमा सकते हैं। गन्ने को समय अधिक मिलता है जिससे बसंतकालीन गन्ने की अपेक्षा इसमें 25 से 30 प्रतिशत की अधिक पैदावार आती है। अगला जो इसका रीजन है वो ये है कि गन्ने की पर्चियाँ परिपक्वता के आधार पर दी जाती हैं जिससे किसान को पर्ची सप्लाई हेतु जल्दी मिलती है। अगला कारण है कि शरदकालीन बोए गन्ने में कीट व रोग का प्रकोप कम होता है। भाइयों, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गन्ने में सह फसली की बुआई लाइन में ही करें। गन्ने की बुआई ट्रेंच बीज से तथा कूड़ों की दूरी 4 फीट से कम न करें, अन्यथा पैदावार व जमीन की उर्वरकता का दोनों का नुकसान होता है। यदि आप गन्ने की बुआई ट्रेंच बीज से करते हैं तो कूड़ों की दूरी जो है वो 4 फीट से कम न करें, अन्यथा पैदावार व जमीन की उर्वरता का दोनों का नुकसान होता है। अब किसान भाइयों, आगे मैं आपको बताता हूँ कि शरदकालीन गन्ने की बुआई कब करें। शरदकालीन गन्ना का बुआई का समय सितंबर माह से लेकर अक्टूबर माह तक होता है, परंतु तराई भूभाग पर जहाँ पर नमी अधिक बनी रहती है जिससे खेत की तैयारी नहीं हो पाती, ऐसे क्षेत्रों में गन्ना बीज को गर्म पानी में शोधन करके 15 नवंबर तक बुआई की जा सकती है। किसान भाइयों, यह सुझाव और गाइडलाइन गन्ना किसानों के लिए जो जारी की गई है ये गन्ना विभाग द्वारा की गई है। वैसे तो किसान भाइयों, गन्ने की कई प्रजाति है और उसको किसान भाई बोते हैं, लेकिन मौजूदा में गन्ना विभाग द्वारा जिस वैरायटी पर अधिक बल दिया जा रहा है उसमें से एक वैरायटी है CO 14201 और दूसरी वैरायटी है 13235 और तीसरी वैरायटी है 15023 और चौथी वैरायटी है COSA 0118 और पांचवी वैरायटी है COSA 0872। किसान भाइयों, जहां तक गन्ना विभाग के इस सुझाव की बात है वहां मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे किसी रोगी को अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, उसी प्रकार गन्ना किसान को गन्ना विभाग की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि गन्ना विभाग जो भी योजना बनाता है वो चीनी मिल को गन्ना किसानों के हित को देखते हुए
बनाता है, जिससे अधिक से अधिक गन्ने का उत्पादन हो और उसमें चीनी की मात्रा, शर्करा की मात्रा अधिक से अधिक निकले और किसानों को आय हो तथा उपभोक्ताओं का भी फायदा हो, जिससे जो चीनी की मांग है, अल्कोहल की मांग है तथा अच्छी मात्रा में एथेनॉल का उत्पादन किया जा सके। किसान भाइयों, इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।